नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। मैं हूं सचिन कुमार, आप लोग देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ नेटवर्क। हमने अभी तक आप लोगों को जियो ट्रू 5G के 5G प्लान के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोगों को एयरटेल के 5G प्लान के बारे में बताने वाला हूं। जी हां, एयरटेल की तरफ से मैं आप लोगों को ऐसे प्लान बताने वाला हूं जो कि 5G के लिए बेस्ट प्लान रहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग एयरटेल की तरफ से 5G के लिए एक साल का प्लान यहाँ पे रिचार्ज करवा रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। क्यों हो सकता है, इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें हम एयरटेल 5G के बारे में। एयरटेल 5G यार बहुत दिनों से चल रहा है, एयरटेल के बीच और जियो के बीच 5G को लेकर यहाँ पे काफ़ी बड़ा मुकाबला चल रहा है। वैसे तो हम 5G प्लान के बारे में बात करते हैं तो भाई जियो के 5G प्लान एयरटेल से कहीं ज़्यादा बेहतर आप लोगों को मिलते हैं, लेकिन एयरटेल के भी कुछ एक ऐसे प्लान हैं जो कि आप लोगों को 5G के लिए बेस्ट यहाँ पे होने वाले हैं। तो पहला जो प्लान है भाई वो तो 239 रुपये का ही है, क्योंकि यहाँ पे एयरटेल की तरफ से अगर आप लोग 239 या इससे ऊपर के प्लान को रिचार्ज करवाएंगे तभी आप लोगों को एयरटेल का 5G बेनिफिट मिलेगा, जहाँ पर आप लोगों को एक महीने में 5G के लिए 300 GB डेटा मिल जाता है। 239 का ये एकदम बढ़िया प्लान है। 239 रुपये में आप लोगों को 28 दिनों की वैलिडिटी मिल जाती है, 1.5 GB डेटा आपको पर डे मिलता है, 100 SMS यहाँ पे आपको रोजाना मिल जाते हैं, अनलिमिटेड आप लोगों को वॉइस कॉल मिल जाती है और कुछ एक सब्सक्रिप्शन वगैरह भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो एयरटेल की तरफ से ये जो प्लान है 239 रुपये का, अगर आप लोग हर महीने यहाँ पे रिचार्ज करवाते हैं, आपके पास 5G फ़ोन है, आपके एरिया में एयरटेल का 5G चालू है, तो 239 का प्लान बेस्ट प्लान है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 3 महीने के प्लान को देखते हैं कि भाई एयरटेल की तरफ से 3 महीने का वो कौन सा प्लान है जो कि आपको बेस्ट यहाँ पे रहने वाला है 5G के लिए। वैसे तो हम लोग यहाँ पे जब जियो एयरटेल के 3 महीने के प्लान को कंपेयर करते हैं तो भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। जियो की तरफ से जहाँ पे आप लोगों को 395 रुपये में 84 दिनों का एक 5G प्लान देखने को मिलता है, वहीं एयरटेल की तरफ से आप लोगों को यहाँ पे 666 रुपये में जो 3 महीने का प्लान है वो देखने को मिलता है। लेकिन मैं आप लोगों को जो प्लान बताऊंगा वो है 839 रुपये का। 839 रुपये में आप लोगों को 84 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी, 2 GB डेटा पर डे मिलेगा आपको यहाँ पे 4G के लिए, 5G अनलिमिटेड डेटा मिलेगा 300 GB एक महीने में, 100 SMS पर डे और अनलिमिटेड वॉइस कॉल, साथ ही साथ कुछ एक सब्सक्रिप्शन वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो 3 महीने का प्लान ले रहे हैं तो आप लोग 839 वाला प्लान यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग दोस्तों एयरटेल का भाई एक साल का प्लान रिचार्ज करवा रहे हैं 5G के लिए तो वहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियाँ, अब जो लोकसभा यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि टेलीकॉम कंपनियाँ अपने 5G ऑफर को बंद कर सकती हैं और जो 5G प्लान है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो एयरटेल का एक साल का प्लान आप लोग लेना चाहते हैं तो काफ़ी सारे प्लान आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं 5G बेनिफिट के साथ, लेकिन भाई इसमें आपको थोड़ा रिस्क उठाना पड़ेगा क्योंकि जो ऑफर है वो शायद इस साल बंद होगा, तो वहाँ पे आप लोग जो एक साल तक 5G है वो यूज नहीं कर पाएंगे। 5G के लिए आप लोगों को अलग से प्लान लेने होंगे एयरटेल जियो के। तो यहाँ पे दोस्तों एयरटेल के बेस्ट 5G प्लान है एक महीने का 239 रुपये का, 3 महीने का 839 रुपये का, और एक साल का प्लान लेना चाहते हैं तो काफ़ी सारे प्लान एयरटेल की तरफ से आप लोग ले सकते हैं। आप में से कितने लोग फिलहाल एयरटेल का 5G अपने फ़ोन में चला रहे हैं जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और कैसी स्पीड आप लोगों को एयरटेल के 5G नेटवर्क में देखने को मिल रही है वो भी आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।